हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। अध्याय दो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। उम्मीद है आपने पहला अध्याय अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसमें इस चैप्टर को हम गीता का सार भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी भगवत गीता में जो विषय भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें समझाए हैं, उनका थोड़ा ब्रीफ वर्जन इस चैप्टर में है, इसलिए इसको गीता का सार भी बोलते हैं। संजय वाच, पहला श्लोक, दूसरा अध्याय, भगवत गीता यथारूप। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रु पूरण आकुल ईक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब अर्जुन जी की स्थिति तो पहले अध्याय के अंत में ही खराब हो गई थी, आपको पता ही है। उन्होंने धनुष बाण रख दिया था और रथ के ऊपर बैठ गए थे। तो अब संजय जी उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे करुणा से व्याप्त हैं। देखिए, जैसे कोई बिजली की तार होती है ना, तो वो बिजली से व्याप्त होता है। उसको अगर आप छूओगे या देखो तो वो पूरी तरह से करंट होता है उसमें ना। व्याप्त का मतलब एक तरह से पूरी तरह से भरे हुए। तो करुणामयी बन गए हैं भगवान के भक्त अर्जुन। करना था युद्ध और बन गए हैं फिलहाल एक साधु के रूप में हो गए हैं, जो अभी इन सब अपने दुश्मनों पर दया करना चाहते हैं, शायद उनके हाथों मरना चाहते हैं। आगे चल के भीख मांगने की भी बात करेंगे। अच्छा चलो, मरता नहीं हूं मैं, भीख मांग लेता हूं। अर्जुन द मोस्ट पावरफुल वॉरियर जो है, वो इस तरह की बातें भी करेंगे अभी शुरू शुरू में। तो करुणा से व्याप्त हैं, दया का भाव है उनके अंदर कि अहे ये नहीं मरने चाहिए, इनके मरने से हमारी फैमिली और हमारे एंसेस्टर्स है ना, पितर, हमारा समाज, सब सब खराब हो जाएगा। तो करुणा से व्याप्त हैं, शोक युक्त हैं, बहुत उदास हैं, अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन। अपने जीवन में अगर हम किसी व्यक्ति को यानी मेल को रोते हुए देखते हैं, तो कई बार बड़ा आश्चर्य करते हैं और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अरे आदमी हो गए रोते हो, ऐसे रोना नहीं चाहिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिए कि अर्जुन उस समय के मोस्ट पावरफुल वॉरियर थे, और वो भी अश्रु पूरित नेत्र। आमतौर पर जो आदमी डिप्रेशन में होता है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि लोग बजाय उसको मेंटली सपोर्ट करने के और क्रिटिसाइज करते हैं। अरे क्या तुम उदास रहते हो, अरे क्या तुम छोटी छोटी बातें सोचते हो। अगर कोई गिरा होता है, उसको उठाने के बजाय लोग उस पर हंसते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो भौतिक लोगों का कार्य है। भौतिक लोग, भौतिक मानसिकता वाले तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम तो गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो अगर कोई दुखी हो, अश्रु पूरित नेत्र वाला व्यक्ति हो, तो हम उसकी इस स्थिति पर हंसे नहीं, उसको हेल्प करने की कोशिश करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है ना। तो अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे यानी, अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। अर्जुन जी काफी बोल लिए, बात अलग है, बीच बीच में भी पूरी भगवत गीता में अर्जुन जी भी बोलेंगे, यानी एक तरह से ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद के रूप में चलेगा। श्री भगवान उवाच, हर जगह भगवान को श्री भगवान कहकर पुकारा गया है। जो लोग भक्ति में नए हैं, वो कई बार इस चीज को इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं करते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, परम भगवान माने जितने भी देवी देवता उन सबसे ऊपर नंबर वन भगवान श्री कृष्ण है, तो खासकर जो विदेश में तो लोग फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमारे देश में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से सुना होता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। लेकिन यहाँ जब ये स्थिति उलट जाती है, तो फिर वो लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। अभी इस पर मैं बहुत चर्चा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे फोकस्ड ऑन भगवद गीता। और हमें ये चीज समझना होगा कि जो गीता बोल रहे हैं, वो बोलने वाले, अब जैसे ट्विटर है, अगर आज मैं कोई चीज ट्वीट करता हूँ, वो कोई भी नहीं पढ़ेगा, एक आदमी भी नहीं पढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज आई एम नॉट ए फेमस पर्सन। लेकिन अगर कोई चीज नरेंद्र मोदी बोले या अमिताभ बच्चन बोले, शाहरुख खान बोले, कोई भी फेमस आदमी, अमेरिका के राष्ट्रपति बोले, ट्वीट करें, कुछ भी इस तरह की एक एक सेंटेंस भी, तो तुरंत हजारों लाखों लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये तो एक छोटे से जगत के, एक छोटे से देश के, भारत तो चलो विशाल राज्य है मान लेते हैं, चलो तब भी फिर भी अगर पूरी पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए, और ब्रह्मांड में असंख्य है, ब्रह्मांड तो हिसाब से भारत भी एक छोटा ही देश है उसके हिसाब से, उसके राजा हैं, लेकिन भगवान जिन्होंने पूरी सृष्टि क्रिएट की है, मेंटेन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी करेंगे,
वो अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बहुत कम शास्त्र हैं जहां भगवान स्वयं अपने मुंह से अपने शब्दों से समझा रहे हैं, और इसीलिए भगवद गीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भगवान स्वयं अपने मुख से हमें समझा रहे हैं। इट्स द यू कैन से इट्स द बाइबल, हमारे को लाइफ का मैनुअल, नॉट बाइबल, आई एम सॉरी, इट्स द मैनुअल ऑफ आर लाइफ। हमें अपना जीवन कैसे जीना है प्रैक्टिकली, वो भगवत गीता में हमें सीखने को मिल रहा है। और स्वयं जिन्होंने सृष्टि बनाई वो स्वयं आके बता रहे हैं कि क्या, जैसे मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी स्वयं बताएं क्या करो कैसे करो कैसे क्या नहीं, टाटाज में रतन टाटा जैसे आज की तारीख में वो स्वयं बताएं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो श्री भगवान वाच, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुते त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्ठम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे। कलमश ऊपर देखिएगा, कश्मलम गंदगी अज्ञान, बताओ। पूरा अध्याय लगा दिया अर्जुन जी ने, इतना ज्ञान दिया कि जो मैं काम कर रहा हूं किस तरह से उसमें समस्याएं आएंगी, मैंने तो सारा श्रवण जो है वो किसके हिसाब से किया हुआ है, गुरु परंपरा के हिसाब से श्रवण किया हुआ है, और पूरा उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा बता दिया, बच्चों को कैसे दिक्कत आएगी, लेडीज को कैसे दिक्कत आएगी, समाज को कैसे दिक्कत आएगी, पितरों को कैसे दिक्कत आएगी, है ना, घर में जो वयोवृद्ध रह गए उनको कैसे दिक्कत आएगी, सबकी प्रॉब्लम पूरा ओवरऑल, कि मैं तो आत्महत्या कर लूं, वो लोग मुझे मार दें, सारी सारी बातें उसने करी। और उसको लगा होगा कि मैंने तो इम्प्रेस कर दिया भगवान कृष्ण को, और भगवान ने बोलते छूटते पहला सेंटेंस क्या बोला, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, गंदगी अज्ञान मीन्स ऑल नॉनसेंस। सपोज आप कोई बहुत अच्छा सा लेक्चर तैयार करके अपने पेरेंट्स को दें और सोचेंगे वाह, और वो कहें भाई क्या बकवास है, वैसे ही कुछ हो गया। भौतिकता के स्तर पर जब हम कोई बात करते हैं तो आध्यात्मिक गुरु इसी तरह से रिएक्ट करेगा, भगवान इस समय आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। तो श्री भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। नहीं आर्य, तुम जीवन के मूल्य को जानते हो, समझते हो कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। एक आम आदमी, भौतिक आदमी, जिसको लगता है कि बस रोटी कमा लूं, किसी तरह से अच्छा घर बना लूं, किसी तरह से पैसा कमा लूं, किसी तरह से सुंदर स्त्री से विवाह कर लूं, अच्छे सुंदर स्वस्थ बच्चे पैदा कर लूं, जिसके जीवन में इसके सिवाय कोई अभिलाषा नहीं है, वो व्यक्ति अगर ऐसी बात करे समझ में आता है। लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम तो भक्त हो, पढ़े लिखे हो। नहीं, अगर एक कंपनी में कोई चपरासी इधर उधर की बात करे समझ में आता है, और एक कंपनी का सीईओ ही कुछ इस तरह की बड़ी पोस्ट का बंदा कोई अगर बेकार की बात करे, जैसे उधर कोई मिनिस्टर बहुत बड़ा इधर उधर की सेंटेंस इश्यू करता था, अरे तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे आके ऐसी बात करते हो। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तो इससे हमें यह भी सीख मिलती है, अगर हम किसी बड़ी पोस्ट पे हैं तो हमें कभी भी कोई भी ऐसी ना कोई हरकत करें ना कोई ऐसी बात बोलें जिससे जो हमसे छोटे हैं वो हताहत हो, वो सोचे कि अरे ये क्या किया, अरे ये क्या बोला, कभी ऐसी हरकत ना करें। भगवान आगे इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इससे उच्च लोक नहीं अपितु तो अपयश की प्राप्ति होगी। बोले कि तुम सोच रहे हो कि ये सब करके तुम साधु बन जाओगे और तुम्हें बहुत कोई रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई जंग लड़ने जाए भारत पाकिस्तान की सैनिक, और वो वहां पर उन पर दया करके वापस लौट आए तो भारत सरकार क्या करेगी, इनाम देगी उसको। तो वही कह रहे हैं इससे उच्च लोक की नहीं अभी तो अपयश की प्राप्ति होगी। तो हमें इस तरह का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, मैं फिर बोल रहा हूँ, गुरु शास्त्र और साधु के अनुसार लेना चाहिए। अर्जुन की सारी बातों को मोर और लेस भगवान ने एक लाइन में ही काट दिया है, लेकिन खैर फिर भी भगवान पेशेंटली अभी उनकी और बातें भी सुनेंगे, और एक एक करके, अभी सोचिए एक अध्याय भगवान ने समझाने में 17 अध्याय लगा दिए, जल्दीबाजी नहीं की कि बस बोल देना गेट आउट, तुम्हारी सारी बातें बेकार है, चलो चुपचाप लड़ाई करो। नो, पूरा एक्सप्लेन किया अर्जुन को बड़ी पेशेंस के साथ, तभी अर्जुन उस चीज को समझ भी पाया, और आज तक भगवद गीता हमें भी प्रेरित कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है। हरे कृष्ण।